नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक और क्वेश्चंस सीरीज, जिसमें आपको मैं नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज के इस टॉपिक में आप देखेंगे कि हर एक पेपर में, जितनी भी बार अभी तक पेपर हुए हैं, हर पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आया है। जैसे मैंने पिछली आपको दो वीडियोज़ में टॉपिक बताए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए हैं, इस उसी प्रकार से इस वीडियो में भी आप देखेंगे। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। और मैंने इसके पहले भी मास्टर स्ट्रेटजी की कुछ वीडियोस बनाई थी, यदि आपने वह नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप देखने की कोशिश करिएगा। और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करने हैं और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री। अब आपने तीनों क्वेश्चन देख लिए हैं, तो अब इन तीनों क्वेश्चन को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ईवीएस में, ईवीएस में जो टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन टॉपिक मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया है, जिसमें मैंने आपको मैप बताया था। यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डायरेक्शन में आपको देखना है, हमारी डायरेक्शन फोर होती हैं, आपको पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप पहले पढ़ चुके हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आप जब भी आप कॉपी में बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से बनाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। जैसे कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिखाए तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे किस प्रकार से। अब इसके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, हिंदी में भी वही होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सो आप इनके बीच की डायरेक्शन भी देख सकते हैं, इनके बीच में भी डायरेक्शन होगी, जिसको बोला जाएगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, है ना, यहाँ पर होगा साउथ वेस्ट और यहाँ होगा नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आपके 8 डायरेक्शन हो जाएंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन था, यदि सबसे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए, यही सेम चीज़ मैंने आपको मैप में भी बताई थी, जब मैप पढ़ रहे थे तो मैप में भी डायरेक्शन का यूज़ होगा और यहाँ भी, ये पूरा एक टॉपिक होता है डायरेक्शन का। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा डायरेक्शन के बारे में, जो हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट में आता है। किसमें आता है? रीजनिंग सब्जेक्ट में आता है। रीजनिंग सब्जेक्ट में आता है, तो वहां पर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो आपने देखा था वही क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये वाले डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है। अब सबसे पहले आप, तो मैंने आपको पहले स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड भी रखनी होगी थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ टाइम आपको लिमिटेड होता है और आपको OMR भी भरनी होती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से पढ़िएगा और जब सॉल्व करना हो तो आप वहीं पेपर के साइड में करिएगा, जैसे मैंने साइड में ही देखिए बना के रखा है, तो आप वहां साइड में ही करिए। क्वेश्चन आपको पूरा लिखना नहीं है, जैसा जैसा वो बोला जा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको साइड में डायरेक्शन बताया है, यदि आपको ये याद नहीं है तो आप कम से कम इसकी प्रैक्टिस करिए, बना के प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये डायरेक्शन याद हो जाए। इनके बीच की डायरेक्शन आप इन्हीं से निकाल सकते हैं। यदि आपको ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद है तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये याद हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, तो क्वेश्चन में जैसे आपने पहले पढ़ा, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर है, तो मैंने कोई एक बिंदु ले लिया, एक ब्लैंक जगह में एक एक्स ले लिया,
एक्स के बाद तथा उसका अस्पताल वाई पर है। तो अब वाई हमें अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम कहीं पर भी वाई नहीं बना रहे हैं। आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी रोड नहीं है, कोई सीधी रास्ता नहीं है, ये भी पता चल गया। आगे पढ़ते हैं, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, यानी एक्स से ए पर जाएगा डॉक्टर, ए पर जाता है जो पूर्व में 600 मीटर। अब ये हमें पता चल गया कि ए जो एक्स के सापेक्ष ए की जो डायरेक्शन है वो पूर्व है। यहाँ से देखिए, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे लेता है तो ये पूर्व हो जाता है, तो मैंने पूर्व की तरफ बना दिया और 600 मीटर रखना है। इसके बाद आपको रखना है फिर वह बी पर जाते हैं। अब वो बी पर जाएगा लेकिन बी है कहाँ, आगे की लाइन पढ़ेंगे, जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर पर है। तो ए से बी की तरफ जाना है, वो भी दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ। तो 450 मीटर हमने इसको बना दिया, ठीक है। इसके बाद फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम पर है। अब सी पर जाना है तो बी से जो है वो पश्चिम पर है, तो बी से हमने इसको पश्चिम बनाया, इस तरफ पश्चिम की तरफ। यहाँ से यदि रखेंगे तो पश्चिम की तरफ जाना है सी, और कितना है ये 120 मीटर। और लास्ट अंत में वह वाई पर पहुँचते हैं, अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है, ठीक उत्तर में। मान लो सी है और ये ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये उत्तर में हो गया। अब हमें लास्ट लाइन से ही आंसर देना है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, अस्पताल से डॉक्टर के घर की दिशा क्या है। ये उसका हाउस है और ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से हाउस की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी हमें ये बताना है। तो यहाँ यदि हम हैं और इस तरफ देखेंगे तो हमें ये नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। तो यहाँ उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इसको कहेंगे हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा कहना है कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा टाइम दे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद टाइम थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि हम एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले पा रहे। यदि आप ये एक मिनट में क्वेश्चन कर लेते तब तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और यदि एक मिनट या दो मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी होते हैं जिनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और यदि आप टाइम लेते हैं तो आपके दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मेरा कहना रहेगा कि आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस तरह के क्वेश्चन की। इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आया था आपके सामने, क्योंकि ये टॉपिक बार बार हर बार एक पेपर में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने दो क्वेश्चन और बताए थे, अभी दिखाए थे, तो मैं नेक्स्ट दोबारा पढ़े दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है इसी तरह के कि आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी रास्ता नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक 30 मीटर दूरी पर, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं और सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है, ठीक है ना। तो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको दोबारा भी पढ़ के सुनाया, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें दूरियों को बदल दिया गया है, 30-40 हो गया यहाँ पे दूरियाँ, और थोड़ी सी दिशाएं बदल दी गई हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, जैसे कि मैंने आपको भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन रिपीट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जो फिर से वैसे ही है। ये मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पैटर्न उनका सेम होता है, क्वेश्चन में नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन तरीका जो है वही रहेगा, लैंग्वेज लगभग सेम होती है। जैसे आप एक और क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग के होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक पश्चिम में दक्षिण में ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके आंसर क्या आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी अभिषेक साठी क्लासेस के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं।
और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है इस चीज़ से। ठीक है दोस्तों, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए, और आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा कि जो भी, और बेल, हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा के रखिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और इसी तरह के न्यू टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।